everyone, this is Dr. Menaka Verma and welcome back again to the Menaka Vlog for Fitness, Health and Beauty Days. So guys, blackheads and whiteheads बहुत common problem है nowadays. और कई बार बहुत सारे treatment लेने के बाद भी, home remedies के बाद भी हमारे blackhead and white spots खत्म नहीं होते हैं, और अगर खत्म होते हैं तो वो फिर से आ जाते हैं. और इसका सबसे बड़ा problem ये है कि sometimes what happens that blackhead and whiteheads turns into the acne, और acne होने के बाद हमारे scars हो जाते हैं, pigmentation हो जाता है, hyperpigmentation हो जाता है, और facial skin पूरी तरह से खराब हो जाती है. तो इन सब का एक simple solution मैं आपको बताती हूँ जो tried and tested है, बहुत लोगों ने किया, even I have also applied for my skin. ये अगर आप करते हैं तो ना तो आपके वाइट स्पॉट्स होंगे, ना तो वाइट हेड, ब्लैक हेड, कुछ भी नहीं होगा. इवन जो एक्ने होता है उसका प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा. और अगर आपको स्कार्स हैं फेस पे, मीन्स डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, वो भी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताने वाली हूँ, जो ट्रीटमेंट मैं होम ट्रीटमेंट मैं बताने वाली हूँ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए, उसके लिए उसको करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा आप जब भी ये ट्रीटमेंट होम रेमेडी यूज़ करें, सबसे पहले अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए. उस पर सिंपल बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में फेस पे मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए, जिससे कोई भी ट्रीटमेंट लेते टाइम आपकी स्किन ड्राई नहीं रहे. बिकॉज ड्राई स्किन पर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्किन अच्छी होने की बजाय खराब हो जाती है. सो लेट्स सी हमें इंग्रेडिएंट क्या क्या लेने हैं. सबसे पहले लेना है हमें बेसन. ये देखिए, मैंने बेसन इसमें निकाल के रखा है. सेकेंड थिंग, वी हैव टू टेक द कर्ड. कर्ड अगर नहीं है तो आप जो क्रीम रहती है, मिल्क क्रीम जिसे मलाई बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं. थर्ड, यू हैव टू टेक द हनी एंड देन ऑयल. ऑयल कैन बी एनीथिंग, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं और एस ऑलिव ऑयल ले सकते हैं. हियर आई एम यूजिंग द लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, राइट. सो व्हाट, हाउ यू हैव टू डू, इसके लिए आपको यू हैव टू टेक 1 tablespoon ऑफ बेसन. ये मैं 1 tablespoon ऑफ बेसन इसमें निकाला है. देन आप मलाई और कर्ड, एनीथिंग, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेना है. अगर आपने 1 tablespoon बेसन लिया है तो आप मेक श्योर आपको 2 चम्मच मलाई लेना है, और एल्स बेसन, और एल्स कर्ड लेना है, राइट. तो ये मैंने 2 tablespoon कर्ड लिया है. एंड लिटिल बिट ऑफ हनी यू हैव टू डे. हनी नीड नॉट सो मच, बट हनी हैज अ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, राइट. तो इसलिए हनी लेते हैं तो उससे स्किन और भी अच्छी रहती है. व्हाइट हेड, डार्क एंड ब्लैक हेड्स जाने के साथ साथ हनी लेने से स्किन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है, एंटीसेप्टिक रहती है, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है. देन ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल लेने का रीज़न ये है कि ये जो हम पेस्ट बना रहे हैं ये स्किन पे चिपकता नहीं है, ईजिली रिमूव होता है, जिससे स्किन अच्छी रहती है और स्किन में अननेसेसरी टोन नहीं होता है, और स्किन अननेसेसरी खिंचती नहीं है तो ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं. तो इसमें मैंने सिर्फ 1 or 2 drops ही ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है. ये देखिए, मैंने बहुत कम ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं. एंड वी नीड टू मिक्स इट. ये जैसे ही पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, इसमें यू नीड टू मेक श्योर कि जो बेसन है, बेसन पूरी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें छोटे छोटे से किसी भी टाइप का लंप नहीं रहना चाहिए. ये देखिए, ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है. ये जैसे ही मिक्स होता है, आपको इसको फेस पर या जहाँ जहाँ पर भी नोज के इधर और ब्लैक स्पॉट है या वाइट स्पॉट है, वहाँ पर आपको इवनली अप्लाई करना है. उसको कम से कम 5 मिनट तक रखना है. मेक श्योर वहाँ पर फैन नहीं हो. अगर फैन है तो आपने फैन चला के रखा है तो ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो, बट 2 से 5 मिनट तक आपको रखना है. और सिंपली आपको सर्कुलर मोशन में क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज फिंगर से रब करके उसको निकालना है, राइट. और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हो जाती है, आपको प्रॉपरली फेस वॉश करना है. मेक श्योर आप बहुत ठंडा पानी नहीं लीजिए और बहुत गर्म नहीं, बिल्कुल ल्यूकवॉर्म वाटर लीजिए, उससे प्रॉपरली फेस क्लीन कर लीजिए. एंड देन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, आपको ये लेना है. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टर, द ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर. इसमें एक छोटा सा ये सर्कल है. जैसे ही आपका ये हो जाता है, ये पेस्ट आप निकालते हैं, तो हमारी स्किन बहुत बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और ब्लैक हेड्स निकालना इससे बहुत ही ईजी हो जाता है. तो जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड है, आपको ये ट्रीटमेंट इस तरह से अपने फेस पर अप्लाई करना है, प्रॉपरली वॉश करना है, और सिंपली आपको इस तरह से प्रोसेस से इसको लेकर नीचे ड्रैग करना है. ये बहुत बहुत सिंपल है, आप जब करेंगे
करेंगे तो आपको लगेगा इट्स वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप घर पे एक बार ट्राई करके देखिए। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप मार्केट में जाके ब्लैक हेड और वाइट हेड एक्सट्रैक्टर अगर बोलेंगे तो आपको शॉप पे इजीली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी होम रेमेडी है ब्लैक हेड और वाइट हेड के लिए जिसके लिए आपका घर पे ही सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको पार्लर और एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ अगर आपके पोर्स बड़े हैं तो वो भी धीरे 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 श्रिंक हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। और जो एंटी एजिंग हम जिसे बोलते हैं, मीन्स टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिंकल्स आते हैं तो ये यूज करने के बाद आपके रिंकल्स भी नहीं आएंगे। इट मीन्स आपका जो एजिंग प्रोसेस है फेस का वो भी कम हो जाएगा, स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस क्विक वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट मैं जब भी नया वीडियो डालू यू कैन सी माई वीडियो फर्स्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।